आज की यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है जिनका सब्जेक्ट पोलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र है और उनकी परीक्षा कल परसों या फिर आने वाले दिनों में है तो मैं गारंटी लेता हूं और मैं भरोसा भी आपको दिलाता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिएगा और जो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनको तैयार करके चले जाइएगा तो अब आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ और इस वीडियो में हम आप सभी को इसी वर्ष 2024 का एक क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाएंगे कि कैसे आता है पोलिटिकल साइंस का और साथ साथ में पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन हैं और इस साल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट

अट्ठारह सौ के स्वतंत्रता सं, संग्राम ने राष्ट्रवाद के उदय में किस प्रकार योगदान दिया है पहले तो मैं आपको इस मॉडल पेपर से कौन कौन से आपकी परीक्षा में आ सकते हैं क्वेश्चन वो बताऊंगा उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज की ओर हम बढ़ेंगे ठीक है जान लीजिए कि भैया 2024 वाले मॉडल पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते थे ये भी तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है ठीक है तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ पिछले फालों में जो मॉडल पेपर मतलब कि पेपर हो चुके हैं बाईस इक्कीस में ठीक है और बीस में तो उसमें ये अट्ठारह के जो स्वतंत्रता संग्राम इससे जुड़ा क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है तो सिंपल सी बात है इस बार इस यूनिवर्सिटी में पूछा गया एक इस बड़, ये बड़ी यूनिवर्सिटी का एक है उसी का पेपर है ठीक है और आपकी परीक्षा कल परसों है तो आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अठारह के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको पढ़ लेना है कई बार फंस चुका परीक्षा में और इस बार आपकी भी परीक्षा में फंसेगा अगला भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होने जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां पर हुई थी यह सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है यह अति लगुतरे टाइप का है ठीक है तो भैया आप सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी और किस सन में हुई थी वह इतना लिखना बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर यही दीर्घ उत्तर में या फिर लघु उत्तरे में पूछा गया तो थोड़ा आपको बना बना के लिखना कुल मिला के शब्द आपको कम से कम दो ढाई पेज आपको लिखने पड़ेंगे ठीक है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कई बार परीक्षा रिपीट हो चुका है इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आनेगा ही आएगा ठीक है अगला प्रश्न में यह प्रस्तुत है कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की होती है स्पष्ट कीजिए ये क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है ठीक है लेकिन इससे संबंधित अन्य प्रश्न आते हैं तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन बेसिक और कॉमन क्वेश्चन तो आप भी तैयार भी कर सकते हैं इसका उत्तर ठीक है कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार की होती है ओके ध्यान रखेंगे अब अगला प्रश्न है जो कि हमेशा एक भी बार ऐसी परीक्षा नहीं गई है राजनीति शास्त्र की यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जिसमें यह प्रश्न पूछा ना गया हो ठीक है सभी परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न पिछले सालों में जितने भी पेपर हुए हैं और इस बार भी जितनी भी यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें सब में पूछा गया है मौलिक अधिकार कितने होते हैं और मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं ऐसे बहुत तरीके के मौलिक अधिकार और प्लस मौलिक कर्तव्य इन दोनों प्रश्नों का उत्तर डिटेल में तैयार कर लेंगे तो आपके कम से कम 10 से 12 नंबर गारंटी हंड्रेड श्योर के साथ आपके पक्के हो जाएंगे मौलिक अधिकार प्लस मौलिक कर्तव्य इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना गारंटी दे रहा हूं कि आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा मैं आपको 100 परसेंट गारंटी के साथ बता रहा हूं ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा दोनों को दोनों दस से बारह नंबर आपके पक्के हो जाएंगे पक्का श्योर हमेशा पसता है अगला प्रश्न है कि राज्य के नित्य निर्देशक तत्व कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताइए ये भी कॉमन क्वेश्चन है लेकिन कभी कदार आता है तो आपके एग्जाम के लिए 80 प्रतिशत आने की उम्मीद है तो 80 प्रतिशत चांस है इस क्वेश्चन के आपकी परीक्षा में आने की तो इसको भी आपको ध्यान रखना है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ठीक है अस्सी परसेंट उम्मीद है आने की अगला क्वेश्चन है है सिंपल सा प्रश्न आप सभी जानते भी होंगे कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा चलिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है देखते हैं किन छात्रों ने पढ़ाई कि किन छात्रों को थोड़ा बहुत जानकारी बताइए भारत का जो संविधान वो कितने दिनों में तैयार किया गया था कितना समय लगे था कमेंट में बताइए सिर्फ वन लाइन का इसका उत्तर है सिर्फ एक लाइन का ठीक है चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए जो छात्र बताएंगे हम समझेंगे कि भाई छात्र हमारी पढ़ाई भी करते हैं ठीक है अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है बहुत ही पॉपुलर बहुत ही कॉमन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है यह भी कई बार आ चुका है ठीक है अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल देखिए इन सभी का उत्तर अभी कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं जितने भी पेपर मॉडल पेपर में है जितने भी मतलब कि मॉडल पेपर में क्वेश्चन है लगभग लगभग सभी का उत्तर आपको नीचे भी हमने पीडीएफ तैयार की उसमें आपको मिल जाएगा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग लगभग पी में मिलेंगे ठीक है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन की राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ क्या है ये क्षमादान थोड़ा न्यू आपको बट रहा है लेकिन इसको आप इग्नोर कर दीजिए ये समझिए कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पूछ रहा है कि राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताइए ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है तो बहुत ही पॉपुलर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है राज्यपाल ठीक है ठीक है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ठीक है राज्यपाल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की शक्तियाँ और इनकी नियुक्ति कैसे होती है ये आपको जरूर पढ़ना है ये हमेशा फंसते ही फंसते हैं ध्यान रखेंगे फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूँ ताकि आपको समस्या न हो ठीक है राज्यपाल की शक्तियाँ ठीक है और राष्ट्रपति की शक्तियाँ और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ मुख्यमंत्री की शक्तियाँ ये पढ़ लेना है और साथ साथ में अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है इन क्वेश्चनों का आपको ज़रूर तैयार कर लेना है ओके अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में कौन से विषय आते हैं ठीक है तो ये हमेशा नहीं रिपीट होता कभी कदार होता है तो आप पढ़ भी सकते हैं बाकी इग्नोर भी कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है अब आ जाएंगे हम खंडब्बा की और खंडब्बा में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं पहला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है ये पक्का फंसेगा फंसेगा हमेशा फंसता है इस बार फंसेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है बहुत ही टॉप लेवल का हंड्रेड परसेंट वेरी वेरी टॉप लेवल का क्वेश्चन है ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखिए ऊपर मौलिक अधिकार पूछा गया था यहाँ पर मौलिक कर्तव्य पूछा गया देख लीजिए हमेशा फंसते कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार आए ना हो वही क्वेश्चन है ना कि मौलिक कर्तव्य कौन कौन से इन्हें कहाँ से लिया गया और ये किस अनुच्छेद में आते हैं सिंपल सा उत्तर आप लिखेंगे बहुत ही पॉपुलर बहुत ही सिंपल सा उत्तर है इन सभी का उत्तर भी नीचे पीडीएफ में है अगला प्रश्न है कि भैया भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है उसका चुनाव कैसा होता है ये हमेशा नहीं आता कभी कदार आता तो आप पढ़ भी सकते हैं इग्नोर भी कर सकते हैं अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की मूल संरचना क्या है ये भी कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप इसका उत्तर पढ़ भी सकते हैं इग्नोर भी कर सकते हैं ठीक है अब हम आ जाएंगे खंडसा की ओर अब खंडसा लास्ट है ठीक है ओके okay. तो खंडशाह में आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जैसे पहला प्रश्न है कि पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचक मंडल को क्यों स्वीकार किया ठीक है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएगा गारंटी के साथ नहीं आएगा ठीक है लेकिन इससे जुड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कैसा निर्वाचन आयोग से जुड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा ठीक है किससे जुड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा निर्वाचन आयोग जो आपका वोट जो होते जो आप लोग वोट डालने जाते हैं इलेक्शन जब होता है तो उससे संबंधित मतलब कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी जो कैसे संपन्न होती है वोटिंग कैसे होती है ये सभी की जो जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग की होती है तो निर्वाचन आयोग से जुड़ा क्वेश्चन एक दो फंसेंगे पक्का है ठीक है ओके उसके बाद अगला प्रश्न है बहुत ही पॉपुलर है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच क्या संबंध है मतलब जो राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री दोनों के बीच संबंध और प्लस इन दोनों की नियुक्ति कैसे होती है दोनों की पावर शक्तियों के बारे में आपको तैयार करना है ठीक है अगला क्वेश्चन गारंटी वाला जो कि हमेशा फंसा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इनमें दोनों में से हमेशा तो ज्यादातर तो दोनों क्वेश्चन आते हैं उच्च न्यायालय से जुड़ा और सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा ठीक है लेकिन कभी कदार एक ही आता उच्च न्यायालय आ जाता है फिर कभी सर्वोच्च न्यायालय लेकिन आपको दोनों के बारे में अच्छे पढ़ लेना सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन होता है ठीक है ठीक है और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको पढ़ लेना उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लेना को देने, दोनों को दोनों दोनों क्वेश्चन पॉपुलर है और दोनों में डिफरेंस ठीक है डिफरेंस तैयार कर लेंगे तो आपकी परिभाषा इसी में मतलब कि क्लियर हो जाएगी ठीक है दोनों में अंतर पढ़ लीजिएगा और आपका सिंपल सा उत्तर उसी में अंतर अगर आ गया तो अंतर भी लिख देंगे भैया ठीक है तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है अगला भी गारंटी वाला क्वेश्चन जो कि मैंने ऊपर आपको बता ही रहा था ठीक है देखिए क्वेश्चन वो भी फंसी गया कि भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्ति के मतलब कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं उनके पावर क्या क्या होते हैं ठीक है इसी तरह अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं उनकी शक्तियाँ ऐसे पढ़ लेना है उनकी नियुक्ति कैसे होती है ये भी आपको ध्यान रखना है तो ये जो मॉडल पेपर है मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कोई भी नहीं लेगा इतनी गारंटी अगर इनमें दिए गए क्वेश्चन ठीक है अगर आप उत्तर तैयार कर लेते हैं इन सभी क्वेश्चनों का गा, तो गारंटी में आपको माइक लाल कोई पैदा नहीं जो आपको परीक्षा में फेल कर दे ठीक है मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर नहीं आएंगे क्वेश्चन तो हमें कमेंट में बताइएगा व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा ग्रुप का भी लिंक दे रखा आप उस पर हमें बताइएगा कि सर ये नहीं आया था आपने जो बताया था अगर नहीं आएगा उसी दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा ठीक है ये याद रखना ठीक है ओके ये क्वेश्चन आएंगे जो जो मैंने आपको बताया अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन आंसर सीरीज की ओर ठीक है क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन भी है और उसका उत्तर भी है देखिए ये क्वेश्चन आपके ऊपर पूछा भी गया था उसी का उत्तर है भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मूल कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है बहुत ही पॉपुलर बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है तो ध्यान से इसका उत्तर पढ़ेंगे और समझेंगे चलिए आपको हम बता रहे हैं उत्तर ठीक है उत्तर में लिख रहा है कि मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कर्तव्य नहीं बताए गए थे सन उन्नीस में बयालवें संशोधन के द्वारा संविधान के लगभग ठीक है भाग चार में अनुच्छेद इक्यावन के अंतर्गत इक्यावन का जोड़ा गया लेकिन इसे भाग तीन में दिए गए मूल अधिकारों के साथ पढ़ा जाता है भारतीय नागरिकों के लिए जो चार मूल कर्तव्य बताए गए हैं जो कि निम्नोत्त है तो ध्यान रखेंगे जो नागरिकों के लिए भारत के नागरिकों के लिए दस मूल कर्तव्य बताए गए उनको ध्यान रखना पहला है कि संविधान राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सभी नागरिक सम्मान करेंगे ठीक है यानी कि जो हमारा तिरंगा होता है प्लस जो राष्ट्रगान होता है जनगण मन ये सभी लोग सम्मान करेंगे अगर कहीं मान लीजिए कि झंडा पड़ा है या फिर वेस्ट हो रहा है या फिर उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है या फिर उसको फेंक रहा है तो उसको उससे बचाना है अगर कहीं फड़ा है तो उसको सुरक्षित स्थान रखें और उसको अगर कोई उस पर कुछ मतलब फेंक रहा है या फिर उस पर कोई गलत काम कर रहा है ठीक है तो उसको उससे रोकना ठीक है और राष्ट्रगान अगर कहीं हो रहा तो उसके खड़े हो जाना ठीक है ये होते हैं कुछ नागरिक जो आम जनता होती है उसके ठीक है कर्तव्य ठीक है ये इसका सम्मान करना चाहिए अगला कि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता संग्राम के पावन आदर्शों का अनुसरण करेंगे अगला कि तीन नंबर है कि सभी नागरिक भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देंगे चार नंबर के प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा करेंगे कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए खड़े हो रहेंगे ठीक है भारत के सभी लोगों में एकता की भावना को विकसित किया जाए ठीक है मतलब कि एकता कोई काम एकता के पूर्वक करें ठीक है ये नहीं कि एक इंसान इधर जा रहा है एक इंसान उधर जा रहा है गाँव कोई शहर है फिर गाँव है तो एक इंसान ये बोल रहा है एक इंसान वो बोल रहा है ठीक है तो मतलब कुल मिला अगर कोई काम आ गया देश के लिए ठीक है तो सब एकजुट होकर एक होकर उस काम को करें ठीक है और सामना करें कोई समस्या है तो और जो छाठवा नंबर का कर्तव्य वो है कि प्रत्येक नागरिक हमारी सांस्कृतिक की गौरवशुल परम्परा और महत्व को समझेगा और संरक्षण करेगा सातवा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा सभी नागरिक करेंगे पेड़ पौधे का लगाएंगे ठीक है और उनको काटेंगे नहीं ठीक है ये मतलब कि जब तक वो सूख न जाए या फिर किसी कारण वो आपका नुकसान मतलब कि नुकसान कर रहा हो तभी आप उसे काटें अदरवाइज़ उसको काटें नहीं हरे पेड़ को कभी काटे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएँ ठीक है और पर्यावरण में सुरक्षा बनाए रखें आठ नंबर का है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञाना अर्जुन की भावना का विकास करें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक नागरिक दृढ़ रहे ठीक है दृढ़ रहे मतलब कि अलर्ट रहें तत्पर रहें और दस नंबर है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास किया जाए तो ये कुछ प्रमुख दस आम जनता के नागरिक के मूल कर्तव्य जो कि हमेशा परिचण फंस था तो आपको इसको जरूर ध्यान रखना है बहुत ही पॉपुलर हंड्रेड परसेंट गारंटी वाला क्वेश्चन है ठीक है अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद की रचना एवं अधिकारों का वर्णन कीजिए ठीक है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन हमेशा नहीं आता लेकिन कभी कबार फंस जाता है तो ध्यान दे देने वाली बात है इसका उत्तर लिखना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनके कार्य में सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ठीक है यानी कि राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उसको सलाह लेने के लिए उनकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है ठीक है और उन मंत्रिपरिषद का जो मुख्य होता है यानी कि अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है जैसे कि हमारे समय नरेंद्र मोदी जी है ठीक है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है ठीक है तो ध्यान रखेंगे इस बात को पहले तो इलेक्शन आम जनता द्वारा हो जाता है ठीक है लेकिन बाद में जो उसका फाइनल डिसीजन है वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा मतलब कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है ध्यान रखेंगे ठीक है ओके तो यहाँ पर कुछ उनके मतलब कि जो निम्न बातें वो भी बताई गई जो कि आप पढ़ लीजिएगा ठीक है मंत्रि परिषद के कुछ कार्य भी उनको पढ़ सकते हैं ठीक है ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अगला कि न्यायिक पुनर्विलेखन क्या है ये कभी कदार आने वाला क्वेश्चन हमेशा नहीं आता तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगला बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो कि हमेशा आता ही आता है कि उच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया था ऊपर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा तो पहले उच्च न्यायालय का परिचय जान लीजिए उत्तर में लिखना है कि संविधान अनुच्छेद दो के अनुसार प्रत्येक राज्य यानी कि जितने भी राज्य हैं भारत में ठीक है उनके लिए एक उच्च न्यायालय होगा लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर मतलब की व्यवस्था कर सकती है वर्तमान समय में पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय जैसे कि हमारे ठीक है उत्तर प्रदेश में ठीक है कितने हैं कितने मतलब कि उच्च न्यायालय हैं बताइए कमेंट सेक्शन में आप सभी को मालूम है ठीक है कितने हैं बताइए कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने छात्रों को मालूम है लेकिन वहीं पर बात किया जाए पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ इन तीनों राज्यों के लिए एक ही उच्च उच्च न्यायालय जो होता है जिसको हाई कोर्ट बोलते हैं ठीक है थीके? वो मेन है ठीक है इन तीनों प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय है बस और इसी प्रकार मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र गोवा दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली तक फैला है यानी कि कोई मामला आएगा तो वो मुंबई उच्च न्यायालय में उसका निर्णय किया जाएगा चाहे महाराष्ट्र का हो चाहे गोवा का हो चाहे दमन का कोई मामला हो या फिर दा, दादरा नगर हवेली का हो ठीक है उसका जो मुख्यालय यानी कि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है वो मुंबई ही है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे असम सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी सात राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय अर्थात गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इस समय भारत में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आप सभी जानते हैं ठीक है तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सिर्फ एक ही उच्चा मतलब कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लोगों के ही मामले कवर किए जाते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ओके और आपको यहाँ पर कुछ न्यायाधीश से जुड़े क्वेश्चन भी दिए जाएंगे मान लीजिए उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए ठीक है तो सिंपल सा आपको क्या क्या जैसे कि आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे कि दो सौ फतरा में न्यायाधीश के लिए योग्यताएं होनी चाहिए पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो ठीक है अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो मतलब कि वो दस वर्ष तक वकील रहा हो एडवोकेट रहा हो ठीक है और उसकी आयु बासठ वर्ष से कम ना हो ठीक है इस बात को ध्यान रखें कितने से कम ना हो बासठ वर्ष से कम ना हो उस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कैसे होती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मुख, नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परा, परामर्श यानी कि सलाह लेकर करता है अन्य न्यायाधीश की नियुक्त करते समय राष्ट्रपति उपर्युक्त के अतिरिक्त संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति प्राय वरिष्ठता के सिद्धांत को अपनाता है ठीक है तो ये कुछ आपको बेसिक चीज़ें उनकी नियुक्त कैसी होती है अगर एक उच्च न्यायालय के लिए कोई ये न्यायाधीश है या जज बनना चाह रहा है तो उसके लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए शपथ कार्यकाल ये सब आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई पढ़ लीजिएगा बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कई बार आ चुका है लघुत्तरे दीर्घ उत्तर ज़्यादा देखने को मिलता है ठीक है क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तो इसका उत्तर भी लिखेंगे ठीक है जून उन्नीस में हुए संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रत्येक व्यक्ति का नाम कम से कम पचास ठीक है प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित तथा इतने ही निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए इसे संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि पंद्रह हज़ार रुपये निश्चित की गई है ठीक है और उसके बाद आपको लिखना है कि निर्वाचक मंडल के बारे में भी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है आपको ये तैयार कर लेना है कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है और उनके कार्य क्या क्या होते हैं और उनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं बस आपको इतना तैयार कर लेना है ठीक है सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी भारत में चुनाव सुधार आन सुधार पर एक निबंध लिखे यानी कि जो भारत में चुनाव होते हैं इलेक्शन होते हैं उनमें क्या क्या सुधार की जरूरत है और क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए उसके बारे में प्रश्न है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन परीक्षा में आने को उम्मीद है तो ध्यान रखेंगे ठीक है लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष के कार्य हो सकते ये भी कभी कधार आ जाता है कि लोकसभा स्पीकर के यानी कि अध्यक्ष जो होता उसके है उसके बता कार्य बताइए शक्तियाँ बताइए कंडीशन बताइए ठीक है तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकता है तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है ठीक है ध्यान रखेंगे ओके बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है अगला है उन्नीस के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ ये भी कभी कधार आता हमेशा नहीं आता तो पढ़ भी सकते इग्नोर भी कर सकते हैं ओके कैबिनेट मिशन योजना के क्या प्रस्ताव थे भारत को आज़ादी दिलाने में ये कहाँ तक सहायक रहे अभी कई बार परीक्षा में आ चुका है तो इस पर थोड़ा फोकस कर लीजिएगा आप लोग ठीक है कई बार आ चुका है विधायिका की शक्तियाँ में हाउस के क्या कारण ये कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अगला इंपॉर्टेंट है यह कभी कई बार आ चुका है कि जो बयालीसवें सन मतलब कि जो हमारा संविधान है इसमें बयालीसवां संशोधन किया गया था ठीक है तो उसमें क्या परिवर्तन किए गए उसके बारे में आपको लिखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये उत्तर आपके समझते पढ़ लीजिएगा ठीक है कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में ध्यान रखेंगे ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत ये कभी कदर आता हमेशा नहीं आता अभी आपने ऊपर मौलिक अधिकार देखे थे अब यहाँ पर मौलिक कर्तव्य भी हाँ वही क्वेश्चन है ठीक है मौलिक हाँ यही देखा था मौलिक कर्तव्य देखा था ना तो दस मौलिक कर्तव्य हैं जिनको आपको ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेना है कि उपराष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कीजिए ठीक है संविधान के अनुच्छेद तिरसठ में एक उपराष्ट्रपति पद पत की व्यवस्था की गई है इस पद के लिए योग्यता राष्ट्रपति के समान होनी चाहिए ठीक है वह राज्यसभा सदस्य वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित है लेकिन समय से पूर्व भी वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप करता सौंप सकता है ठीक है कहने का मतलब यह आप लोग समझ गए होंगे कि पाँच वर्ष का कार्यकाल होता है लेकिन अगर वो नहीं इच्छुक है तो वो चार साल में तीन साल में एक साल में भी वो राष्ट्रपति जो होता है उसको अपना त्याग पत्र दे सकता है कि हम भैया अब अब हम इस पोस्ट पे या फिर इस जो हमारा जो पद है इस पे हम नहीं रहेंगे ठीक है और यहाँ पर कुछ शक्तियाँ भी होती हैं उपराष्ट्रपति की जो कि आपको ध्यान देना है ठीक है यहाँ पर सैलरी भी देख लीजिए इतनी सैलरी मिलती है एक लाख पच्चीस हजार रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है एक उपराष्ट्रपति को ध्यान रखेंगे बाकी वो ओवर इनकम तो करता ही करता है अगला भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है महात्मा गांधी से जुड़े एक दो क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे दो आते हैं ज़्यादातर लेकिन एक तो पक्का ही आएगा ठीक है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सब नया अव्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ध्यान रखेंगे ओके क्रिप्स मिशन की विवेचना कीजिए ये भी महत्वपूर्ण कई बार आ चुका है ध्यान देंगे ठीक है आप सभी तो आपके एग्जाम में कुछ इसी प्रकार प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आपको तैयार जरूर कर लेना है और लगभग लगभग प्रश्न यहीं से आएंगे बाकी जो मॉडल पेपर में वो ऊपर जो मॉडल पेपर था ना इसमें इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए लगभग लगभग का उत्तर तो नीचे है ही जिनका नहीं है वो आपको इंटरनेट पर सर्च कर लेना ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल ही जाए ठीक है बाकी ये जो पी है इसको हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो वहाँ पर डाउनलोड करके आप लोग तैयारी कर लीजिएगा जय हिंद